यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयपुर को जाने वाली गाड़ी नंबर 6839 थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म पर आ रही है। I was collector Jaisalmer, and I met with a serious accident. I broke my leg. There was a danger of my losing my life, danger of my losing my leg. Doctors saved me from both. Now the idea it occurred to me was that if I had lost my limb, probably government would have sent me to England or America at their cost. Where would a poor man go? He had lost his limb. And that was the time this idea was born. Born on a hospital bed in a condition of trauma. Let's join the fraternity of those who bear the mark of pain. Unki jamaat mein shamil hui hai ki jinke dil mein dard hai. Kahan se shuru hua? Kahin se bhi. Yahi jagah hai. यही जगह है जहाँ से मेरे पैर का दर्द स्टार्ट हुआ था। जस्ट जहाँ अपन खड़े हैं अभी एट प्रेजेंट, पतंग उड़ाते टाइम यहीं से पतंग उड़ा रहा था और यहीं मैं खड़ा हुआ और खड़ा होते ही गिर गया। कभी कभार महीने दो महीनों में एक बार दर्द होता था तो वो दर्द सहन कर लेते थे। अकेले रहते थे, घर वालों को कोई पता नहीं था, घर वालों को बताता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। पर जब दर्द ज़्यादा हो गया तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कैंसर है। फेस पे फर्स्ट मीटिंग में उसने कहा भाई तेरा पैर कटेगा। मैंने कहा क्यों? बोले कैंसर है। मैं वहीं हताश हो गया। मैंने कहा बेटा कट गई, पतंग कट गई। फिर कटेगा तो कटेगा, काट दो। उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, काट दो। मेरे सारे घर वाले यूँ गमसीन थे, शो नहीं कर रहे थे, बट फेस से तो पता चलता ही है कि कितना अंदर से टूटे हुए हैं। तो घर वालों ने भी हिम्मत की, सपोर्ट किया। फिर था और जब अंदर जा रहा था तब भी इतना कोई वो नहीं था। उसमें एक डॉक्टर ने बोला यार तू बड़ा हुआ है, जो तेरा पैर कट रहा है तू है जो मस्ती में आ रहा है। मैंने कहा भाई मेरी मस्ती ख़त्म हो जाए और मेरा पैर बच जाए तो मैं मस्ती ख़त्म कर देता हूँ। पैर तो कटना है तो मस्ती क्यों छोड़ू यार, ये तो करने दे। ऑपरेशन थिएटर में बार बार तोड़ना होगा, आज आया हूँ। दूसरी तीसरी बार आया हूँ तो अब नहीं आऊँगा कभी, इसलिए आज पूरी मस्ती कर लेने दे यहीं पर। और फिर 6 जनवरी को रात को पैर को अलग कर दिया, काट दिया। और जब ऑपरेट होके बाहर निकाल रहे थे मेरे को, तो मेरी लेग को वहाँ साइड में रख के उससे कुछ कर रहे थे, वो शायद अलग अलग नमूने ले रहे थे जांच के लिए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा रोक भाई आखिरी बार देख लेने दे, 25-26 साल इसने मेरा साथ दिया है। वो हंसने लग गया, बोले क्या आदमी है तू? मैंने कहा यार आदमी आदमी हूँ, दूसरा तो हूँ नहीं, देख लेने दे फिर कब दिखाओगे, फिर तो तुम ले जाओगे इसको और मेरे को दूसरी जगह ले जाओगे। तो उसने 5 मिनट रोका, मैंने देखा
तो वो डॉक्टर जो उसके सैंपल ले रहा था वो बोला बोले भाई अब जा, ये छोड़ गया तेरे को, तू भी छोड़ जा इसको। मैंने कहा चलो ठीक है। बस लाइफ एक तरह से स्टॉप, आधे टाइम सोना आधे टाइम बेहोश रहना। बेहोश का मतलब कोई सुध नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उस दौरान तो चलने का और कहीं जाने के लिए सोचना पॉसिबल ही नहीं था कि कहीं जाएं या कहीं चलें, क्योंकि ये हो गया था कि अब कुछ भी नहीं है, पैर कट गया मतलब लाइफ गई। अब तो यानी एक तरह से बस वो क्या बोलते हैं ना, अपना जुगाड़ करना, जुगाड़ से ज़िंदगी चलाना। उसके बाद बोला अब तो 7 महीने भी हो गए, 7-8 महीने हो गए पैर को कटे, तो पैर लगवा लो। तो सर्च किया तो मेरे अंकल टीचर हैं साइंस के, तो उन्होंने बोले जयपुर फुट ही फेमस है तो जयपुर फुट लगवा लेते हैं। महावीर विकलांग समिति है, वहाँ से फुट बन जाएगा और मिल जाएगा, और जयपुर फुट वैसे भी फेमस है तो ट्राई। पहले उससे पहले काफ़ी रिसर्च किया था कि एक्चुअल में है या नहीं है, कि जैसे नहीं हो सपोर्टेबल तो दूसरी प्राइवेट कंपनी भी काफ़ी बनाती है तो उनसे ले लें। बट उनने गूगल पे सर्च किया तो अच्छा रिजल्ट आया। पहले तो रेफरेंस से गया था, मैंने कहा पता नहीं क्या सिस्टम है क्या नहीं है तो रेफरेंस तो चाहिए। पर मैं वहाँ गया तो वहाँ देखने के बाद पता चला कि यहाँ रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो इंडिविजुअल आओ खुद और अपना काम खुद करो। रेफरेंस से भी वही काम होगा और खुद करवाओगे तो भी वही काम होगा। बाकी जहाँ तक मैंने देखा तो खुद से बेटर है, रेफरेंस का तो अटक ही जाता है कुछ। उस टाइम यही था कि नई चीज़ थी तो काफ़ी उत्सुक था मैं भी कि कैसा क्या बनेगा, क्या होगा क्या नहीं है, उसको पहनने के बाद अपन क्या कैसे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कैसा क्या मोमेंट रहेगा, बाइक वगैरह। पर उस दौरान मैंने एक बुज़ुर्ग आदमी को देखा, उसके दोनों लेग नहीं थे और वो दोनों जयपुर फुट लगा के चल रहा था। उसके हाथ में छड़ी थी बट वो आराम से चल रहा था। तो मैंने उसको देख के मैंने कहा यार जब बाबा दोनों पैरों से अपंग होके चल रहा है जयपुर फुट से तो अपने एक तो है ना, दूसरा इतना सपोर्ट भी नहीं करेगा तो ये तो एक तो है ही ना अपने पास सपोर्ट करने के लिए, बाबा के पास तो दोनों नहीं है फिर भी बाबा मस्त चल रहा है। तो फिर मेरे हुआ मैंने कहा जो भी है अच्छा होगा, तो बनवा लिया। नाप आप दी उन्होंने, मेरे को बोला आप 2 दिन बाद आना। तो 2 दिन बहुत मुश्किल से निकले क्योंकि काफ़ी यूँ था कि क्या है क्या नहीं है, देखे तो सही अपन।
दो दिन बाद गया तो उन्होंने लगाया, लगा के पहले वहाँ वो करवाई कि आप चल पा रहे हो नहीं चल पा रहे हो, कहीं से कुछ चुभन या और कुछ, तो वहाँ वेल था तो उन्होंने रिलीज कर दिया, बोले ठीक है ले जाओ। यानी जयपुर फुट लगाने के बाद आप इससे क्या क्या करना चाहते हो? तो मन कह दिया, मैंने कहा सबसे ज़्यादा पसंद गाड़ी चलाना है तो गाड़ी चला, मस्त है कि मैं गाड़ी चला सकूं, बाइक चला सकूं, क्योंकि घूमने का शौक है तो घूमने का शौक बसों से और वैसे फ्री पूरा होता नहीं है, वो तो खुद के ऊपर है कि अपन कब कहाँ जाना चाहते हैं, उसके लिए गाड़ी चलाना कंपलसरी है, तो मस्त तो यही था कि मैं गाड़ी चला सकूं। उनको मैंने यही कहा था, मैंने कहा और चाहे कुछ हो नहीं हो, मैं पेड़ पे चढ़ सकूं या नहीं चढ़ सकूं उससे मेरे को कोई वो नहीं है, बट मैं गाड़ी चला सकूं, बाकी तो सब नॉर्मल है, आना जाना ठीक है, कहीं जाना है तो चला जाता हूँ। अब किसी का सपोर्ट नहीं कि कोई आए वो अपने को लेके चले, और ठीक है वहाँ चलना है मतलब चलो, गांव में, गांव से बाहर नहीं, जैसे गांव में कहीं जाके किससे बात करनी है किससे कुछ भी तो मैं चला जाता, पहले नहीं जा पाता था क्योंकि पहले जयपुर फुट भी नहीं था और बैसाखी से मेरे को चलना बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता, क्योंकि वो लगते ही फिर दिमाग में जो है वो फीलिंग ही चेंज हो जाती है, क्यों लगता है यार अपन अफाइज हैं, ये लगता है तो ठीक है थोड़ा धीरे चलते हैं थोड़ा लचक के चलते हैं, बट यानी माइंड में ये नहीं आता कि अपन अफाइज हैं, ठीक है किसी के पैरों में दर्द भी रहता है वो भी ऐसे चलता है और किसी का सहारा नहीं है, जहाँ जाना है कई जगह ऐसी होती है जहाँ अकेले को जाना होता है तो वहाँ मैं चला जाता हूँ। Who is a bigger beneficiary? He or you? He gets thing worth $50 and you get something which is priceless. So remember, the giver is a greater beneficiary than the receiver.